हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फर्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फिर मैं एक बार आपके लिए यूपी ट्रिपल एस यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक खबर लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं। मंडी परिषद एग्जाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 30 मई को 2 पालियों में होना सुनिश्चित हुआ है और जूनियर सिस्टम परीक्षा जो 2017 की थी वो 31 मई 1 पाली में होना सुनिश्चित हुआ है। अब आपको इंतजार होगा आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, तो इसके संबंध में एक खुशखबरी प्राप्त हो रही है मित्रों। आज शाम तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का, हम पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, सबसे पहले आपको राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से जरूर प्राप्त हो सके। तो चलिए लेते हैं पूरी खबर इसके संबंध में, एडमिट कार्ड के संबंध में मित्रों। जैसा कि आपके सामने upssc.gov.in, जी हाँ, होम साइट है ये upssc का, यहीं से आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी एग्जाम्स, रिजल्ट और भी प्रक्रियाओं के संबंध में, तो ये जो बड़ी खबर प्राप्त हो रही है कि आज शाम तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा, अपलोड कर दिया जाएगा साइट पर। अगर ऐसा नहीं हुआ आज शाम तक, मैं आपको ये लेट इवनिंग की बात बता रहा हूँ, रात में लगभग 8 से 9 के बीच में एडमिट कार्ड हो सकता है आज डाउनलोड होने लगे, जो हमें खबर प्राप्त हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल जो है संभवतः, मैं आपसे देखिए, मैं आपसे वादा नहीं करता हूँ, मैं बस एक जो वहाँ से हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ मित्रों। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल, तो मैं जहाँ तक मेरा विश्वास है, कल आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। अगर आज ऐसा लेट इवनिंग तक नहीं हुआ 8 से 9 बजे तक, तो ये मान के चलिए कल आपका जो है दोपहर में 2 बजे तक हम श्योर हैं कि आपका रिजल्ट आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा दोनों एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका ये 31 मई को हो या 31 मई को, चाहे मंडी पर्षद या जूनियर असिस्टेंट का हो, दोनों आपका एडमिट कार्ड कल जो है 2 से 3 के बीच में तक तो श्योर है आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा मित्रों। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, बचे हैं आपके पास मुश्किल से 6 से 7 दिन, आप इस बीच में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे आप एग्ज़ाम में अपने आप को उतना ही सहज महसूस कर पाएंगे। तो ये बड़ी खबर है मित्रों आपका एडमिट कार्ड के संबंध में, संभवतः आज 8 से 9 बजे रात में आने के पूरी चांसेस हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल आपको 2 से 3 के बीच में जो एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है upssc से। ये बड़ी खबर थी, आप तक पहुँचना जरूरी था, क्योंकि आपको बेसब्री से इंतजार है। हमारे कुछ जो कैंडिडेट हैं उनका कमेंट भी आ रहा था कि एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा, तो ये बड़ी खबर है आप लोगों के लिए। आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपका एडमिट कार्ड आने ही वाला है, आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। ओके, ये बड़ी खबर थी मित्रों, आप तक पहुंचाना ज़रूरी था एडमिट कार्ड के संबंध में। हमें और भी कोई खबर प्राप्त होती है upssc से तो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।